कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। कोई भी जो बंदिश है उस पर पुलिस का उससे अंकुश नहीं रह गया, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस इस समय काम करी मीरा भाईंदर की, ऐसा मेरा आरोप है। साथ में जिस जिस लेके आए पुलिस वाले पूरे इकट्ठे होके आए, हम जैसे दुकान में थे, हम दुकान में से सामान जो निकालने थे वो भी निकालने नहीं दिया, सबने हाथ पकड़ा बाहर निकाल दिया। ये जो धार्मिकीकरण हुआ है बच्चों के अंदर भी इस तरीके का, मेरा बच्चा जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें मैसेज आ रहा है कि तुम सनातनी हिंदू हो या कट्टर हिंदू हो, इस तरह के छोटे बच्चे मैसेज आ रहे हैं एक दूसरे को। इतना टेंशन था कि 22 तारीख के बाद 23 तारीख को कई बच्चे स्कूल में नहीं गए, इस डर से कि कहीं पे और कोई बड़ा बवाल ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आपके स्क्रीन पर दिख रही ये औरत भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर की एमएलए गीता जैन है। ऐसा क्या किया है इन्होंने कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार इनकी गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं, और क्या हुआ मुंबई की सीमा पर बसे मीरा रोड में, सब जानेंगे आज के वीडियो में। आज मीरा रोड की सड़कों पर घर टूटे हुए हैं, गरीब जनता की दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है, लेकिन इलाका लगभग 3 दिनों के बाद शांत है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान की एक रात पहले यानी 21 जनवरी को शाम के वक्त शुरू हुआ ये मामला 23 तारीख तक चला। द वायर की मुंबई की रिपोर्टर सुकन्या की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला 21 की रात को बानेगर गली से शुरू हुआ। बानेगर गली मीरा रोड का नया नगर इलाके में है। इस इलाके में लगभग सभी निवासी मुस्लिम हैं। 21 की रात को एक यात्रा के दौरान संघवी एम्पायर नाम की सोसाइटी के बाहर दो गुटों के बीच किसी बात पर से बहस होती है। फिर एक तरफ से आती है जय श्री राम की आवाज तो दूसरी तरफ से आती है अल्लाह अकबर की। तनावपूर्ण स्थिति निर्माण होती है और एक छोटी लड़ाई दो गुटों में होती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जमाव को वहां से भगा देती है। लेकिन 21 की रात का यह मामला यही नहीं रुका। 23 को प्राण प्रतिष्ठान के दिन के बाद हिंसा फिर भड़की। इस बार हिंसा का पैमाना बड़ा था। यहां हुई हिंसा पर ज्यादा सवाल उठते हैं, पुलिस की भूमिका पर भी। सुकन्या की रिपोर्ट के मुताबिक 23 तारीख को 200-300 लोगों का एक झुंड शांतिनगर इलाके में घुसा और दुकानों में तोड़फोड़ करना शुरू किया। रिपोर्ट कहती है कि इलाके में सभी समुदाय के लोग रहते हैं और उनकी दुकानें भी हैं, तो जिन दुकानों पर भगवे झंडे थे उन दुकानों को बख्श दिया गया, लेकिन अन्य दुकानें तोड़ी गई। दुकानें तोड़ने वाले लोग सभी 20-30 साल के युवा थे, ऐसा लोकल लोगों ने कहा। दुकानें तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज भी द वायर के पास है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां तोड़फोड़ हुई उस जगह से पुलिस थाना महज 20 मीटर दूर था। भीड़ को उस वक्त क्यों नहीं रोका गया पुलिस द्वारा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। खैर, भीड़ पर काबू पाया गया और फिर लगातार 2 दिनों तक मीरा रोड में बुलडोजर की कार्रवाई चली, वैसे ही जैसे कि यूपी या हरियाणा में हम देखते हैं। 15 स्ट्रक्चर्स तोड़े गए। इस बुलडोजर एक्शन में जिस एक गैरेज को तोड़ा गया उस गैरेज के मालिक से बात की सुकन्या ने, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। साथ में जिस जिस लेके आए पुलिस वाले पूरे इकट्ठे होके आए, हम जैसे दुकान में थे, हम दुकान में से सामान जो निकालने थे वो भी निकालने नहीं दिया, सबने हाथ पकड़ा बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद बोल रहे थे सब ऊपर से नीचे तक चला गया, कोई भी सामान नहीं छोड़ा। इसका कोई उसमें मुर्गी थी, उसके अंदर मुर्गी के 4 बच्चे थे, चारों के उनको मार दिया, उसमें मुर्गी के बच्चों को भी निकालने नहीं दिया। हमने जो दुकान निकल के हमने निकाला था मरी मिल गया, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने कि जो हमको निकाल देंगे सही सलामत। तो ये लोग कौन थे, ये आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले थे, पुलिस थे, कौन आए थे? पुलिस वाले थे, कुछ अधिकारी म्युनिसिपालिटी के थे, उनके साथ में आए थे, सब तोड़ फोड़ के गए। आपका कितने सालों से था यहाँ पे? मेरा 10 साल से। और क्या दुकान था आपका? मेरा 2 व्हीलर का गैरेज था। और ये आप लोगों को अपना कुछ सामान बचा पाए इसमें कि नहीं बचा पाए? बस अपना जो लोकल का सामान है थोड़ा बहुत वो बचा है, बाकी तो सब अपना मेरा सामान था सब टूट फूट गया। छोटा मोटा सामान है, चाबी बने हुए बचे, बाकी तो सब तोड़ फोड़। ये 10 साल में कभी बोला नहीं आप लोगों ने? कभी भी नहीं, कभी हमको कुछ नहीं बोला कितने आगे, कोई नोटिस कभी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, हम आराम से इधर रहे। और ये पहली बार ही हुआ? पहली बार ही हुआ। अगर हम बोलते हमें पता चलता था, हमें मौका मिलता था, हम सामान भी निकालते, हमको कोई मौका नहीं मिला, हमको कोई खबर नहीं दी, कोई नोटिस भेजा कुछ भी नहीं। और जो दुकान में थे सबको बाहर निकाला, निकाल के चले गए। हमारे दो गैस बाटले थे वो भी हमने बाहर निकाले, जो उसमें खाना बनाते थे वो भी लेके चले गए, वो भी हमको वापस नहीं दिया, बोला जो यहाँ पे वो हमारा है।
और ये 5 बजे के बाद आए, यानी ऐसा ऑफिस आवर 5 बजे का, ये 5 बजे का, ये 5:15 बजे का है। 5 बजे के बाद ऑफिस आवर नहीं आई, 5 बजे के बाद आदान हुआ, उसके बाद हुए ऑफिस आवर तो उसको पहले होते ना, असल का आदान हुआ उसके बाद आया। तो ये वो दिन 21-22 को कुछ यहाँ पे माहौल खराब हुआ था, कुछ नहीं था, जो होता वो साइड में था, यहाँ पे तो कुछ भी मालूम नहीं था किसी क्या है क्या नहीं, ना इधर वाले को उधर वाले से कोई लग रहा था, कोई भी वो नहीं था कि हाँ वहाँ से हाथ का कोई भी वो है, कोई भी वो नहीं था। यहाँ पे हिंदू भाई रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, हमारे में कोई ऐसा हो हिंदू भाई तो पूछ लो, कोई हमने कोई आज तक उनको कोई तकलीफ दिया है, उन्होंने हमें कोई तकलीफ दिया, सब आपस मोची की लगा के सब सामान अपनी दुकान में रखते थे लाके, कभी उसने उसके साथ हमने कोई व्यवकरण नहीं, पैर मोहब्बत से सब रहते थे यहाँ, कभी हिंदू मुस्लिम का कोई हिसाब नहीं हुआ, जहाँ हुआ हुआ कैसे हुआ उनको नहीं मालूम। यानी जो 21 की शाम को हुआ था, 22 को जो हुआ उससे इसका कोई लेना देना नहीं था, हमको तो उसका मालूम भी नहीं है, वो जिस टाइम तो हम पढ़ के ही सो गए थे, जब ये हालत हुई। सुकन्या की रिपोर्ट कहती है कि संघवी एम्पायर नाम की बिल्डिंग जहां 21 तारीख को ये मामला शुरू हुआ, वो बिल्डिंग रास्ते के डेड एंड पर है, यानी बिल्कुल आखिर में, इसके आगे या बिल्डिंग तक यात्रा ले जाने का कोई मतलब नहीं था। 21 की घटना में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद CRPF के जवान इलाके में आए, लेकिन 23 तारीख को जो हिंसा हुई जिसमें कई लोग घायल हुए और दुकानें भी तोड़ी गई, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमले की पीड़ितों की ओर से पेश वकील सचिन साड़वी ने द वायर को बताया कि हमले के बाद एक लड़के को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, पुलिस FIR दर्ज करने में अनिच्छुक थी, लेकिन जब हमने यानी वकीलों ने मना किया कर दिया तो आखिरकार उन्होंने FIR ले ली, ऐसा कहना था एडवोकेट साल्वी का। तो दोस्तों ये था पूरा मामला कि क्या कैसे और कब हुआ। महाराष्ट्र में पिछले 1.5 साल से सांप्रदायिक घटनाएं आए दिन हो रही है, सभी घटनाओं में कुछ समांतर देखने मिलता है, मीरा रोड की घटना में भी ये समानताएं देखी, यही कारण है कि लोग इसे पूर्व नियोजित करार रहे हैं। अब समझते हैं कि बार बार इसमें भाजपा के लोगों का नाम क्यों सामने आ रहा है। जब 23 को हिंसा भड़की तो पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाए इलाके में जगह जगह पर, भाजपा की MLA गीता जैन और नितेश राणे इन बैरिकेड्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। इतनी अशांति के बाद भाजपा के 2 विधायकों से ऐसी प्रोवोकिंग भाषा का इस्तेमाल होना ही कारण है कि निखिल वागड़े जैसे पत्रकार गीता जैन की अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पर हमने भी मीरा भाईंदर के 2 निवासियों से बात की, सादिक बाशा और संजय पांडे। रात को 9:30-10 बजे के आसपास कुछ गाड़ियां जो है नया नगर के तरफ घुसी और उसमें से जो एक बुलेट बाइक थी जिसकी जो साइलेंसर है वो कम्प्लीटली मतलब हद से ज्यादा जो एक साइलेंसर था जिसमें फायरिंग की थोड़ी सी आवाज ज्यादा थी, तो वहां पर थोड़ा सा एक लोगों को ऐसा लगा कि फायरिंग भी हुआ है और फिर नारेबाजी इस तरीके का मस्जिद के सामने हुआ जब वहां पर नमाज चल रही थी। तो मस्जिद के बाहर जो लोग थे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे नमाज चल रही है, यहाँ पे आप फायरिंग वायरिंग मत कीजिए, थोड़ा आगे जाइए। और वो आपस में तू तू में होते वक्त जो भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ जिसको सभी लोगों ने आम लोगों ने यहाँ पर खंडन किया कि गलत हुआ है, इस तरीके का कानून हाथ में लेने का काम नहीं होना चाहिए था, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको पुलिस को लेकर रिपोर्ट करना चाहिए था। तो ये 21 तारीख की घटना है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर हरकत में आई, पुलिस ने उसी दिन रात को वीडियोस को देखने के बाद कई सारे लोगों को अरेस्ट किया और उसके अगले दिन भी पुलिस ने काफी लोगों को अरेस्ट किया। तो पुलिस ने इमीडिएटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अरेस्ट कर लिया और कम्युनिटी के जो लोग हैं माइनॉरिटी के लोग उन लोगों ने भी उसको कंडेम किया। लेकिन यहाँ पर जो है एपिसोड खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी लगातार 22 तारीख को लगातार रैलियां जो है नया नगर में आने की कोशिश हुई और इस बार काफी ऑर्गेनाइज तरीके से मल्टीपल एंट्री पॉइंट से भगवे झंडे के साथ बहुत सारे बाइक्स आने की कोशिश कर रही थी और पुलिस ने जिसको रोका। तो 22 तारीख का दिन इस तरीके से चला गया, बहुत टेंशन थे दोनों तरफ, मोबिलाइजेशन शहर के हर तरफ जो है मोबिलाइजेशन था। पुलिस ने कमेंडेबल काम किया, बैरिकेड लगाकर इस तरीके को कन्फ्रंटेशन होने दिया नहीं। तो 22 तारीख का मामला खत्म हुआ, अब लोगों को लगा कि चलो अब चैप्टर खत्म हुआ। लेकिन 23 तारीख को दोबारा यहाँ के महाराष्ट्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं मीरा भाईंदर से, जो गीता जैन MLA हैं, फिर नितिन जो राणे हैं, ये इन्होंने जो है भड़काऊ भाषण देना चालू कर दिया कि नया नगर जो है मिनी पाकिस्तान हो गया है क्या, तो वहां पर हम आएंगे, हमको आना हम आएंगे। और उन्होंने जाकर जो कल एक रैली करी और कल रैली करते हुए उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ये उन्होंने डिमांड किया है कि जो बैरिकेड पुलिस कमिश्नर पुलिस प्रशासन ने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जो बैरिकेड लगाया वो बैरिकेड को हटा देना चाहिए, ऐसा
नीतीश राणे और श्रीमती गीता जैन जो यहाँ की एमएलए, उन्होंने इस तरीके से बोला है। 21 तारीख के पहले के 3-4 दिनों में ड्रास्टिकली पूरे शहर में बड़े पैमाने पर झंडे लगे, और मीरा भाईंदर में स्पेशली वो इलाके जहां पे उत्तर भारतीय जो वर्ग है रहता है, भाजी मार्केट है, स्लम इलाके हैं, वो वहां पे बड़े पैमाने पे, वो इलाके जहां पे राजस्थान गुजरात के लोग रहते हैं, उन इलाकों पे बड़े पैमाने पे प्रोपेगेंडा मैंने रियलाइज किया। तो जो भाजपा का पारंपरिक वोटर राज्य है, उस राज्य के लोगों ने इस बड़े पैमाने पे वो जो झंडे लगाने का कार्यक्रम समझना शुरू किया। 21 तारीख को पर्टिकुलरली क्या हुआ कि कई जगहों पे उसका जो प्रचार जो चलता है बड़े पैमाने पे भगवे कपड़े पहन के, ये हुआ नहीं था पहले कभी, रामनवमी के दिन भी कभी ऐसा नहीं हुआ था, उसके पहले किसी धार्मिक प्रोग्राम में कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन बकायदा धार्मिक कपड़े पहनना उसको एक यूनिफॉर्म की तरह, एक जो यूनिफॉर्म होता है किसी प्रोग्राम का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उस तरीके से इस बार ये प्रोपेगेंडा हुआ। ये जो धार्मिकीकरण हुआ है बच्चों के अंदर भी इस तरीके का, मेरा बच्चा जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें मैसेज आ रहा है कि तुम सनातनी हिंदू हो या कट्टर हिंदू हो, इस तरह के छोटे बच्चे मैसेज डाल रहे हैं एक दूसरे को। तो ये सब बदलाव हुआ है, ये ट्रेंड है। और हम, मैं आपको बता रहा हूँ, 22 तारीख को जिस कार्यक्रम का, हमारे यहाँ पे, मैं सादिक भाई रहते हैं मीरा रोड में, मैं रहता हूँ भाईंदर में, हमारे यहाँ पे मस्जिद है जो पुलिस स्टेशन का इलाका है उसके बगल में, वहां पे बकायदा जमाव करता था भगवे झंडों का, और वहां पे नारेबाजी और लगातार बड़े पैमाने पे आवाज होता था। इतना टेंशन था कि 22 तारीख के बाद 23 तारीख को कई बच्चे स्कूल में नहीं गए इस डर से कि कहीं पे और कोई बड़ा बवाल ना हो जाए। सादिक ने एक खास पिटीशन भी शुरू की है, आइए उसके बारे में भी समझते हैं। ऑनलाइन पिटीशन हमने स्टार्ट किया और उसमें बाकायदा बहुत ही, मतलब जो निखिल वागले जी हैं, तीसरा सत्र ऐसे बड़े, मतलब नामी जो मुंबई के एक्टिविस्ट हैं, उन सबका उसमें समर्थन मिला। और सबका यही कहना है कि मीरा रोड के अंदर जो परिस्थिति है उसको लेकर सभी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करने वाले लोग चिंतित हैं, और मीरा रोड में इस तरीके का कार्यक्रम जो सिचुएशन को खराब ना होने दिया जाए, कोई कार्यक्रम किया जाए शांति को लेकर, अमन को लेकर, जैसा कि शायद संजय भी बता रहे थे और मैंने भी बताने की कोशिश की, 20 लाख की आबादी है लेकिन बहुत्तर लोग जो है सेकुलर है, अमन पसंद है, ये राम के नाम पर जो अधर्म का काम हो रहा है इसके खिलाफ है, लेकिन उनको साथ में आने का मौका नहीं मिल रहा है, वो मौका पाने की करने की कोशिश जो है हम लोग कर रहे हैं। हमारा, हमारे जो लोग हैं जो पीस लविंग लोग हैं, जो ये माइनॉरिटी में पड़े जा रहे हैं इस तरीके से, हम कुछ प्रोग्राम करेंगे तो पुलिस बोलती है नहीं आप तो इससे डिस्टर्ब हो जाएगा माहौल करके, और जबकि उनके लिए कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरह का उन्मादी कार्यक्रम कर ले, कोई भी जो बंदिश है उस पर पुलिस का उस तरह से अंकुश नहीं रह गया, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस इस समय काम करी मीरा भाईंदर की, ऐसा मेरा आरोप है। तो ये था पूरा मामला। मुंबई की सीमा पर पनप रहा यह विवाद अब शांत है, लेकिन अभी भी नीतीश राणे और उनके समर्थकों का प्रेशर संसाधनों पर है ऐसा मालूम पड़ता है। आशा करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहे और शांति मुंबई समेत सभी शहरों में बनी रहे। शुक्रिया और नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।